उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी है और अब सपा के साथ इंडिया गठबंधन एक नई रणनीति के साथ सामने आ रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश की इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के माने तो ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अखिलेश यादव ने इस खबर को लेकर के मोहर भी लगा दी है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है हमारे पास और इस अपडेट को अगर सही माना जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा बड़ा नाम उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेगा, वो भी अखिलेश यादव के गृह जनपद से यानी के इटावा से। जी हाँ, ये बिल्कुल अपने आप में खास तौर पर चौंकाने वाली खबर है। इटावा सुरक्षित सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनावी मैदान में कूद सकते हैं और इसकी तैयारी इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अगर ये खबर सही साबित होती है और मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश आकर के चुनावी मैदान में कूदते हैं तो इसका फायदा न सिर्फ समाजवादी पार्टी को बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को हो सकता है। कैसे, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है और वो रणनीति है दलित वोटों को अपने पाले में लाने की। उत्तर प्रदेश में जो मायावती का कोर वोट बैंक है उस पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है और पिछले विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर उससे पहले हुए चुनावों की, माना यह जाता है कि मायावती से कुछ दलित वोटर छिटक कर भाजपा के पाले में जा रहा है। लेकिन पिछले उपचुनाव में चाहे घोसी हो, मैनपुरी हो या फिर खतौली सीट हो, इन तीनों ही उपचुनावों में दलित वोटर ने सपा के संबंधित प्रत्याशी को वोट किया है। खतौली में राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी था लेकिन सपा गठबंधन का ही यहाँ पर चुनाव था। मैनपुरी में डिंपल यादव और घोसी में हाल ही में हुए चुनाव में सुधाकर सिंह को दलित वोटर्स ने एक तरफा वोट किया है ऐसा माना जाता है। इसलिए अगर दलितों के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश आते हैं तो इसका सीधा संदेश ये जाएगा कि इंडिया गठबंधन दलितों का सम्मान करने के लिए तैयार है और खुद इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में आएंगे। इटावा से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के रामशंकर कठेरिया सांसद हैं। वैसे तो इटावा पर सपा की मजबूत पकड़ रही है। 1999, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में सपा के प्रत्याशी ही यहाँ से जीतते रहे हैं लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई है। परिसीमन बदलने के बाद भी भाजपा को यहाँ फायदा हुआ है लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा बड़ा नाम राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा यहाँ पर आएगा तो इसका फायदा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को होगा। समाजवादी पार्टी की टिकट पर तो शायद वो चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ेंगे लेकिन सीधा सीधा समर्थन सपा की ओर से रहेगा और शिवपाल सिंह यादव की रणनीति तो इटावा में प्रभावी रहेगी, इसका फायदा भी उन्हें मिलेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खबर झटके वाली हो सकती है क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह से रणनीति बना रहा है और लगातार तमाम नेताओं को कहां से चुनाव लड़ाना है, कहां से ऐसे नेताओं को उतारना है जहां से जीत पक्की की जा सके, जिस तरह से रणनीति बन रही है भाजपा का खेमा परेशान है, हलकान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ना तो इतना लामबंद कभी दिखा है और ना ही इतनी रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में कभी कूदा है। अखिलेश यादव की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि उनकी ओर से हरी झंडी दे दी गई है। अगर इटावा से दलित चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में कूदने को हामी भरते हैं तो अखिलेश यादव को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा संकेत सपा की ओर से दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इटावा से एक अच्छे प्रत्याशी साबित हो सकते हैं? क्या उनका लड़ना पूरे प्रदेश में एक संदेश देगा और समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या फिर इसका नुकसान सपा को होगा? आपका विश्लेषण बहुत जरूरी है। हमने जो जानकारी आपको दी वो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अपनी राय हमारे समक्ष जरूर रखिए।